are, which are very relevant. So over to you, Dr. Giriraj, please continue. Yeah, thank you. Thank you, Supanji. Hello, everyone. Good evening. Once again, I am Dr. Giriraj Swankar, consultant reproductive medicine at Zivia Hospital, Jaipur. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही कॉमन टॉपिक के लिए. पहले सोशली इतनी एक्सेप्टेंस जो थी वो नहीं थी. अगर मैं बात करूं एजूस परमिया को लेकर, नील शुक्राणु को लेकर, लेकिन अभी अवेयरनेस काफी बड़ी है. लोगों ने एक्सेप्ट किया है और लोग ट्रीटमेंट उस चीज के लिए अभी ले रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ. मैं बेसिक इवैल्यूएशन और वर्कअप के बारे में बात करूंगा और मेरे पास डॉक्टर रिचा मैनेजमेंट पार्ट को हैंडल करेगी. माय स्क्रीन इज विजिबल? यस डॉक्टर गिरिराज. या थैंक यू. So, azoospermia is basically nil shukranu. When we see some semen analysis report that there is no sperm seen on the large fields. So, hum log pehle samjhenge ki how sperms are produced in our body. Kaise sperm bante hain, kya process hai uska. To, sperm banne ka jo process hai, that is under our brain control. To, brain se hormones release hote hain, jo ki हमारे टेस्टिस बीज कोश के ऊपर काम करते हैं और इन हॉर्मोन्स के थ्रू जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो हेल्प करता है हम लोगों को स्पर्म के प्रोडक्शन के अंदर. वी कैन सी हियर दैट ब्रेन से एफएसएच और एलएच हॉर्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारी टेस्टिकुलर सेल्स के ऊपर काम करते हैं. लेडी सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है और वो सर्टोली सेल के ऊपर एक्शन करती है जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. कुछ केसेस में वी हैव सीन जिन पेशेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता है वो लोग एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन का यूज करने लगते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक जाने की वजह से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है. वो चीज लोगों को अवॉइड करनी चाहिए. तो जो ये प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. जिस प्रोसेस से स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. नॉर्मली टेस्टिस जो है उसमें सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं जो कि ये फंक्शन शो कर रही होती है जिनके अंदर की स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है. तो मीन इंटरवल जो ये स्पर्म प्रोडक्शन का है दैट इज अराउंड 74 days और ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि 4 parts के अंदर डिवाइडेड होता है. नॉर्मली जो टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए दैट इज लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर. अराउंड 3 to 4 degrees कम टेम्परेचर स्क्रोटम का होना चाहिए तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे माना जाता है और वो एक एडिक्वेट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मस्ट थिंग है. कुछ जॉब्स और प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पेशेंट्स का एक्सपोजर रहता है बहुत हाई टेम्परेचर्स को तो उन लोगों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है. उनमें क्वालिटी और नंबर दोनों ही इफेक्ट होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें इनिशियली प्रोलिफरेशन सबसे पहले होता है जो कि किसी भी मेल की प्यूबर्टी जब उनको वो अटेंड करते हैं उस समय ये स्टार्ट होता है और उसके बाद फर्दर प्रोसेसेस रहती हैं मियोसिस, डिफरेंशिएशन एंड स्पर्मेशन. इन चीजों की डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगा. जो प्रोलिफरेशन है उसके लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है. अगर विटामिन ए डिफिशियंसी रहेगी तो प्रोलिफरेशन हैम्पर रहेगा. सेकेंड जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है इसमें 3 major मॉडिफिकेशन जब स्पर्म बनता है उसमें देखे जाते हैं कि इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, इसका डीएनए पैकेजिंग होता है और हिस्टोन टू प्रोटामाइन ट्रांजिशन होता है. बेसिकली इस चीज के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट रहती है. तो जिंक एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जो हमें हमारी डाइट के अंदर रहना चाहिए या उसका सप्लीमेंटेशन हम लोगों को रखना होता है ऐसे मरीजों के लिए जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है. एक और चीज इसी चीज के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जो एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है खाना पकाने और खाने के अंदर या पैकेजिंग के अंदर उनके अंदर जिंक का रिप्लेसमेंट हो सकता है एल्यूमिनियम के थ्रू. तो वो चीज भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अगर जिंक रिप्लेस होगा तो जिंक की डेफिशिएंसी से ये चीज में प्रॉब्लम रहेगी. फोर्थ स्टेप स्पर्मिएशन जो फाइनल स्टेप होता है स्पर्म प्रोडक्शन का. तो उसके बाद जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होंगे टेस्टिस में वो
फाइनली स्टोरेज के लिए उनका एपिडिडाइमिस के अंदर ट्रांसफर होता है और आगे चल के वो वास डिफरेंस के थ्रू हमारे इजेक्यूलेटरी डक्ट में खुल के और नॉर्मल यूरिथ्रा यानी मूत्र द्वार के थ्रू उसकी ओपनिंग रहती है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब मैं बात करूंगा एजोस्पर्मिया की। WHO की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग स्पर्मेटोजोआ, अगर हमें जो सैंपल मिला है उसे उसमें अगर हमें स्पर्म नहीं शो हो रहे हैं तो फिर हमें उसे सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। और वो सेंट्रीफ्यूगेशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि वो 300 RPM पर 15 मिनट्स के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और उस पैलेट को अगर हम लोग विजुलाइज करेंगे, अगर उसमें भी स्पर्म नहीं दिख रहे हैं देन वी विल से दैट इज इट इज एजोस्पर्मिया। और ऐसी दो रिपोर्ट हम लोगों को चाहिए जिसके बेसिस पर हम कह सकेंगे कि पेशेंट इज एजोस्पर्मिक। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो इन जनरल पॉपुलेशन 1% जो मेन है वो एजोस्पर्मिक है और अगर इनफर्टाइल कपल्स के अंदर इसका इंसिडेंस 10-20% है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि जो एजोस्पर्मिक मेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। जो मैंने बात की आप लोगों को कि नॉर्म एक तो एजोस्पर्मिया है एंड देयर इज अनदर थिंग दैट क्रिप्टोजोस्पर्मिया। समटाइम्स व्हाट वी सी कि जो क्रिप्टोजोस्पर्मिक पेशेंट है वो एक नॉर्मल विदाउट सेंट्रीफ्यूज सैंपल के अंदर हम लोगों को स्पर्म नहीं दिखाएगा। इफ वी विल एग्जामिन द पैलेट तो फिर उसमें हमें पैलेट के अंदर अगर स्पर्म दिख रहा है देन इट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोजोस्पर्मिया। लेकिन इस चीज का फायदा यह है कि अगर क्रिप्टोजोस्पर्मिक है पेशेंट तो उसे किसी एडेड प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फॉर दिस स्पर्म रिट्रीवल। उसके वही स्पर्म्स जो कि उसको पैलेट के अंदर मिले हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोसीजर। अगर हम बात करें कारण की कि क्या कारण हो सकते हैं कि कोई मरीज एजोस्पर्मिक है, जैसा कि हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखा कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स जहां से जो हमें हेल्प करते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन होने में। इनिशियली अगर जो ब्रेन से हॉर्मोन्स हैं अगर वो रिलीज नहीं हो रहे हैं तो फिर कमांड जो टेस्टिस को जा रही है वो नहीं जा पाएगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेवल वन पर जो हो सकती है दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड थिंग अगर टेस्टिस के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, देयर मे बी मैनी रीजंस। तो उनमें एनलिस्टेड है कि जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, टेस्टिस अनडिसेंडेंट रह सकते हैं जिसकी वजह से वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं अटेन कर पाएगा और उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सर्टेन इन्फेक्शन आर देयर, यंग एज में टॉर्जन जो होता है बच्चों को हो जाता है या यंग एज के अंदर हो जाता है उसकी वजह से टेस्टिस नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। वेरिकोसील कॉमन प्रॉब्लम है जो अभी यंग एज के अंदर एक्सेसिव वेट बियरिंग एक्सरसाइज करने की वजह से उनको एजोस्पर्मिया के अंदर पेशेंट लैंड अप हो जाते हैं, क्योंकि अगेन वेरिकोसील के अंदर में भी उसको टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन है स्पर्म का वो नहीं हो पाएगा। सर्टेन ड्रग्स आर देयर, ओंको वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर या मैलिग्नेंसी है उनमें रेडिएशन डैमेज की वजह से टेस्टिकुलर फंक्शन डिस्टर्ब रहते हैं, स्पर्म एंटीबॉडीज हो सकती है और हीट आई हैव डिस्कस्ड। उसके बाद अगर टेस्टीज में भी अगर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जो उसका ट्रांसपोर्ट है जो चैनल है अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज है तो फिर उसकी वजह से भी एजोस्पर्मिया हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। उस ब्लॉकेज के भी कई रीजन हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज जो उसका है वो इन्फेक्शन है। उसके बाद कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं जिनकी वजह से स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें ब्लॉकेज आ सकता है। वन म्यूटेशन इज देयर दैट इज कॉल्ड एज CFTR म्यूटेशन, या पेशेंट को ऐसी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसको पेल्विक सर्जरी हुई है ड्यूरिंग दैट आल्सो उसको जो डेफरेंस है उसके अंदर डैमेज हो सकता है या उसकी वैसेक्टमी हो चुकी है। तो बेसिकली अगर क्लिनिकली अपन इसको क्लासिफाई करें देन देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजोस्पर्मिया। इंसिडेंस जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का 80-85% है और ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया 15-20% है। इसका डायग्नोसिस वर्कअप हम लोग कैसे करेंगे और क्यों डायग्नोसिस जरूरी है? अगर एजोस्पर्मिक पेशेंट है उसका इटियोलॉजी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रीट की जा सकती हैं, या हम कहें कि अगर स्पर्म रिट्रीवल करना है पेशेंट का IVF फिक्सी होना है तो उस कंडीशन में भी हमें रिट्रीवल में कितनी उसकी सक्सेस रहेगी वो चीज इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की काउंसलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं जिनके अंदर एजोस्पर्मिया होता है
और वो जेनेटिक डिजीजेस वो अपनी ऑफस्प्रिंग अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इवेल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. तो इवेल्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन. हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी है पेशेंट की या उसका एजोस्पर्मिया है वो कितनी ड्यूरेशन का है, प्रीवियस उसके सीमन सैंपल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन था या नहीं, या उनका नंबर काउंट कितना था, प्रीवियस प्रेगनेंसी पेशेंट को हुई है या नहीं, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स पेशेंट क्या ले चुका है, पहले उसका स्पर्म रिट्रीवल या बायोप्सी कुछ हुई है, सेक्सुअल हिस्ट्री उसकी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड सेक्सुअल डिसफंक्शंस है या नहीं, उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है वो पूछना होता है, क्योंकि कई बार अनडिसेंडेंट टेस्टिस होते हैं जिनकी सर्जरी करके बाद में उनको नॉर्मल स्क्रोटम पोजीशन में पहुंचाया जाता है. टेस्टिकुलर टॉर्शन कुछ पेशेंट्स की प्रीवियस हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर डैमेज हो चुका होता है. मेडिकल हिस्ट्री और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया हाई हीट को एक्सपोजर रहता है या केमिकल्स और रेडिएशन को उनको एक्सपोजर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर हार्मफुल रहती है. फिजिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पेशेंट का और उसका लोकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें उसका स्क्रोटल एग्जामिनेशन होगा, टेस्टिकुलर वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी, एपिडिडाइमल इंड्यूरेशन और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, क्योंकि जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर वास डिफरेंस बाय बर्थ एब्सेंट हो सकती है. कुछ डिजीजेस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एपिडिडाइमल इंड्यूरेशन मिल सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इंडिया के अंदर बड़ा कॉमन है. वेरिकोसील हो सकता है. वेरिकोसील की सिग्निफिकेंस और उसका ट्रीटमेंट, अगेन वो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि उसका क्या करना है, वो डॉक्टर रिचा विल डिस्कस. देन सीमन एनालिसिस दैट वी हैव डिस्क्राइब्ड कि उसका टू टाइम सीमन एनालिसिस हम लोगों को कराना रहेगा और एक एब्सटिनेंस का डिसेंट पीरियड 2 to 7 days का होना चाहिए. प्रीवियस उसकी हिस्ट्री पूछी जाएगी कि कोई इन्फेक्शन पेशेंट को रहा है या वो किसी ऐसी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के ऊपर नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल जो WHO 2010 की गाइडलाइंस है उसका उसमें वॉल्यूम की जो कट ऑफ दी है दैट इज 1.5 ml एंड 15 million पर ml शुड बी द स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट. जो मोर्टिलिटी है progressive that is 32% and normal morphology is 4%. Hormonal analysis is very important because ye hum logo ko help karega ki differentiation mein bhi ki whether it is obstructive or non-obstructive azoospermia and again we can decide whether the patient can be treated with hormones or not. So in obstructive azoospermia basic physiology is all normal, only there is blockage in the transport channel. So all the hormonal parameters will be normal. Second, which we discussed ki agar brain se hormones nahi ban rahe hain to jo brain wale hormones hai FSH and LH that will be low. And again unka jo command agar testes ko nahi mil raha hai to testosterone ka production bhi low ya low normal hi rahega. The third type is hypergonadotropic hypogonadism in which brain se to hormone ka command aa raha hai lekin testicular failure hai. टेस्टिस अपना फंक्शन नहीं दिखा पा रहा है तो दोनों जो ब्रेन वाले हॉर्मोन्स हैं दैट विल बी ऑन द हायर साइड एंड टेस्टोस्टेरोन विल बी ऑन द लोअर साइड. देन अगेन इमेजिंग टेक्निक्स ये भी हम लोगों को हेल्प करती हैं. स्क्रोटल सोनोग्राफी है, ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी है, MRI एब्डोमिनल सोनोग्राफी इन द केसेस ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस सो दैट वी कैन लोकलाइज द पोजिशन ऑफ द टेस्टिस. In scrotal sonography, what we can see, testicular volume can be correlated well with the physical examination and we can see the RIPI resistance index in the testicular artery. वो भी हमें help करता है कि obstructive और non-obstructive azoospermia से. ये एक अल्ट्रासाउंड पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि obstructive azoospermia के cases के अंदर जो seminal vesicles होते हैं वो बड़े dilated हम लोगों को visualize होते हैं on the pictures. Genetic testing is also recommended in cases of azoospermia because certain diseases are there which can be transmitted to the offspring. So, hum log agar genetic testing karenge to hume idea rahega ki ye disease offspring mein transmit ho sakti hai aur aise patients ko donor sperm ya donor semen ki advice bhi rehti hai. To kuch common diseases hai jaise obstructive azoospermia hota hai jisme कंजेनेटल एब्सेंस रहती है, वास डिफरेंस की सिंगल या बायलैटरल दोनों हो सकती हैं और ऐसे पेशेंट में CFTR म्यूटेशन वी कैन चेक.
अगेन यंग सिंड्रोम का भी इनमें रिस्क रहता है जिनमें एजोस्पर्मिया के साथ में रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी एविडेंट होते हैं. देन देयर आर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया आल्सो जो कि बड़े कॉमन है और उनमें जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंडेड रहती है. वन ऑफ देम इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड अनदर इज बायोक्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन और कंजेनिटल हाइपो दैट इज कैलमैन सिंड्रोम. तो इनकी जेनेटिक टेस्टिंग इजीली अवेलेबल है और वो रिकमेंडेड रहती है कि करवानी चाहिए सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया. देन हियर आर सम डिजीजेस विच आर कॉमन प्रीटी कॉमन इन द पॉपुलेशन. सो कैलमैन सिंड्रोम ये एक्सलिंग डिसऑर्डर है और इसमें कैलमैन जीन का म्यूटेशन मिलता है. जो फीचर्स पेशेंट के रहेंगे वो एनोसमिया रहेगा, उसको स्मेल नहीं रहेगी, माइक्रोपेनिस रहेगा. Sometimes cryptorchidism also there may be seen कि इनमें descent नहीं होगा testes का, libido कम रहेगी, erectile dysfunction also will be there because इनमें testosterone का production भी कम रहता है. That can be evident on lab testing also. और testicular volume भी इनमें कम रहेगा. Then Klinefelter syndrome, इसकी prevalence 0.1-2.2% है और infertile couple के अंदर ये 3.1% इसके incidence है. इनके clinical features में भी small टेस्टिस रहेंगे, पेशेंट की अपीयरेंस यूनिकॉइड रहेगी और इवेल्युएशन ऑफ एजोस्पर्मिया में ही कई बार ये जो क्योंकि इनमें मिक्स्ड डिसऑर्डर मिलते हैं तो कई बार डायग्नोस नहीं होते और एजोस्पर्मिया के वर्कअप में ही ये पेशेंट डायग्नोस होता है. देन देयर इज CFTR म्यूटेशन जो मैंने बताया कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ बायलैटरल वास डिफरेंस रहेगा. इनमें भी अदर फीचर्स भी क्लिनिकली हम लोगों को एविडेंट होते हैं. इनको पल्मोनरी डिजीज हो सकते हैं क्योंकि बाकी एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी ऐसे पेशेंट्स के अंदर रहेंगे. पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इंसफिशियंसी रहेगी. टेस्टिस में फुलनेस मिलेगी क्योंकि वास डिफरेंस एब्सेंस है और स्पर्म का जो एग्जिट है वो प्रॉपर नहीं है तो एपिडिडाइमिस भी फुल मिलेंगे और टेस्टिकुलर फुलनेस भी ऐसे पेशेंट्स के अंदर मिलेगी. सीमन एनालिसिस के अंदर भी इनके अंदर लो वॉल्यूम रहेगा क्योंकि इनमें कई बार जो सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन होते हैं वो भी हमें नहीं एग्जिट हो पाते. देन अगेन देयर इज फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया देयर इज वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन. इसकी भी जो इंसिडेंस है इसका भी अनसेलेक्टेड इनफर्टाइल मेल में 3.2% है. But in cases of non-obstructive angiospermia, it is quite high, up to 8%. इसमें तीन तरह के म्यूटेशन ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, AZF A, B and C. जो C कैटेगरी है, that is quite common, 65-70% पेशेंट उसी उसके रहेंगे. लेकिन इनमें जो है, अगर testicular retrieval जो रहता है, वो इनमें chances रहते हैं कि अपने को टीसा या माइक्रो टीसे के थ्रू टेस्टिस से हमको स्पर्म ऐसे पेशेंट्स में मिल सकते हैं. दैट इज अगेन एक और चीज है जो एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट को रिकमेंडेड रहती है कि टेस्टिकुलर बायोप्सी. वो बड़ा डिबेटेड सा इशू है. कुछ लोग कहते हैं कि हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी करके कंफर्म करना चाहिए लेकिन हम लोगों का रिकमेंडेशन ये है कि इट शुड नॉट बी डन एट मतलब एनी सेंटर जहां एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी है और जहां फ्रीजिंग की फैसिलिटी है. ऐसी ही जगह पर हम लोगों को टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी चाहिए क्योंकि फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस कई बार होता है और एक बायोप्सी में आपको सैंपल नहीं मिला, रिपीट बायोप्सी में आपको सैंपल मिला, दैट कैन बी फ्रीज ऑल्सो. सो दैट कैन बी यूज फॉर फर्दर फर्टिलिटी प्रोसीजर्स. थैंक यू. Thanks, Dr. Giriraj, for your wonderful presentation. Now we are handing over the session to Dr. Richa. Welcome, Dr. Richa. Thank you, Sukhanji. Namaste and a very good evening to all of you. So I'll be talking about the management of azoospermia. Is the screen visible? Yes. So azoospermia, Sunil Shukran, ये सुनते ही it is still sort of एक taboo है अभी भी इसके बारे में बात करना, तो लोग बहुत ही घबराते हैं. But we should not be like making a taboo out of it and हमें इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए because इसका incidence recent years में बहुत ही increasing है. दूसरी चीज मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी किसी का azoospermia या Nil Shukranu रिपोर्ट होती है तो वो जनरली वो मेल पार्टनर अकेला आता है. अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी
शर्मिंदगी महसूस कर बोल लो या कुछ हिचकिचाहट रहती है पेशेंट्स में, तो ये ना रहे, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन फिजिकल प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज फेसिंग दीस डेज. सो टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, सबसे पहली चीज है थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए आपको. एक 40-45 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए फॉर 5 डेज अ वीक. फ्रेश जो फ्रूट्स है, लोकल ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में. एंड बेसिकली जंक फूड है वो अवॉइड करें, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करें. जो मैनेजमेंट है इसमें बेसिकली टू मतलब एक तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, एक हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो सर ने जैसे बताया मेनली टू टाइप्स के एजोस्पर्मिया है, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव में तो आपके स्पर्म्स बन रहे हैं बट कुछ ब्लॉकेज की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसे केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट का इतना रोल नहीं है. जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है जिसमें हमें पता है कि कहीं थोड़ा थोड़ा फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, तो उसमें हार्मोनल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है बॉडी में, तो ऐसे केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट का थोड़ा सा रोल है. जिसमें अगर FSH या LH जो ब्रेन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो हम उन्हें एक्सटीरियरली सप्लाई देते हैं, जैसे कि HCG दे सकते हैं, HMG दे सकते हैं. ये हम वीकली थ्राइस देते हैं पेशेंट्स को, और ये जो ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक चलता है. जो मेन स्टे है एजोस्पर्मिया का वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी हमें पहले ये क्लियर करना है, जैसे जो हिस्ट्री टेकिंग है उससे, एग्जाम फिजिकल एग्जामिनेशन से और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट से, कि कौन सी टाइप का एजोस्पर्मिया है. अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव है तो वी नो दैट स्पर्म्स आर देयर, तो ऐसे केसेस में PISA एंड TISA इनफ होता है स्पर्म रिट्रीवल के लिए. अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है मतलब कि प्रोडक्शन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में द गोल्ड स्टैंडर्ड इज माइक्रोटेस्ट. तो जैसे मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में वी हैव टू ऑप्शंस. ऑब्स्ट्रक्शन जो है, अगर हमें कहीं पे पता है कि ये जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसे हम बाईपास करने के लिए एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, कि जहां पे ब्लॉकेज है वो हमने चीज हटा दी और बाकी दो एंड्स को जोड़ दिया. तो दैट प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ऑफ वेजो वेजोस्टोमी, वेजो एपिडिडाइमोस्टोमी और वेरिकोसील रिपेयर, या फिर हम सीधा जा सकते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल पे, जो PISA, TISA या माइक्रोटेसिस से होता है. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है दिस इज द टेस्टिस, और ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है दिस इज द एपिडिडाइमिस. अगर तो हम टेस्टिस में से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल रहे हैं, देन इट इज नोन एज TISA, विच इज टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन. PISA में हम जो एपिडिडाइमिस है, जो टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है, वहां से स्पर्म्स बाहर निकालते हैं. जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है उसमें हमारा गोल क्या रहता है, हमें इतने नंबर ऑफ स्पर्म्स चाहिए कि जो हम अभी रिसेंट भी यूज कर पाए, और इन फ्यूचर साइकल्स अगर अपने को इस बार में प्रेगनेंसी लग जाती है तो आफ्टर अ वाइल या फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए हम अगेन स्पर्म्स उनको फ्रीज कर पाए. तो वी नीड अ फेयर नंबर ऑफ स्पर्म्स जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और जो हम रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, जो टेस्टिकुलर ट्रैक्ट है पूरा, उसको मिनिमम डैमेज के साथ निकाल पाए. जो मेथड ऑफ चॉइस है, जैसे मैंने बोला कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है और जो सर्जन है उनकी प्रेफरेंस पे. जब भी हम स्पर्म रिट्रीव करते हैं एजोस्पर्मिया के केसेस में, वी ऑलवेज गो फॉर ICSI इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड IVF. स्टैंडर्ड IVF में क्या होता है कि हमने एक पेट्री डिश में फीमेल एग को रख देते हैं, एंड वी अलाउ दी स्पर्म्स उस आसपास बस रख देते हैं, एंड वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो स्पर्म खुद ही मोटाइल होते हैं, तो वो खुद जाके एग की जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको पियर्स करके एग को फर्टिलाइज करते हैं. ICSI में हम क्या करते हैं कि हम एक एग लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हुए इंजेक्शन के थ्रू एक ही स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं. तो क्योंकि ये जो स्पर्म्स होते हैं वो हम इधर टेस्टिस या फिर एपिडिडाइमिस में से निकाल रहे हैं, तो उनकी मेच्योरिटी थोड़ी सी कम रहती है, तो इसीलिए हम वी ऑलवेज प्रिफर ICSI. एंड स्टडीज में भी ये देखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन रेट है इन IVF साइकल्स आफ्टर दीज स्पर्म रिट्रीवल प्रोसीजर्स, वो ICSI से तो 82% है, एंड विद स्टैंडर्ड IVF इट इज जस्ट 19%. जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम. जैसे मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव में इधर वी गो फर्स्ट वी गो फॉर PISA अगर
एपिडिडाइमिस में से हमें स्पॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं तो हम टीसा की ओर जाते हैं एंड देन वी गो फॉर माइक्रोटेसे एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में वी फर्स्ट डायरेक्टली गो फॉर टीसा एंड देन माइक्रोटेसे। पीसा में जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब एक तो सब लोगों को पेशेंट्स को ये रहता है कि टेस्टिस पे ऑपरेशन हो रहा है तो हमें 7 डेज का रेस्ट करना पड़ेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज अ मिथ। इसमें पेशेंट सुबह खाली पेट हमारे क्लिनिक आते हैं, प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग करते हैं हमारे क्लिनिक पे क्योंकि इट इज कम्फर्टेबल फॉर द पेशेंट मोर। बाकी लोकल या इनवाइनल ब्लॉक में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। 20 मिनट्स का होता है पीसा या टीसा एंड देन ऑन द सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है शाम तक एंड यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटीज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ऐसा कोई बेड रेस्ट या एक्स्ट्रा केयर या पेन या ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें आफ्टर गिविंग द शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया हम लोग निडल के थ्रू जो एपिडिडाइमिस है उसको स्टेबिलाईज करके डायरेक्टली स्पॉन्स बाहर लेते हैं। अगर हमें पीसा में स्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम टीसा की ओर जाते हैं। टीसा में हम टेस्टिस में निडल को इंजेक्ट करते हैं रादर देन दी एपिडिडाइमिस। और एक पहले यूज होता था कन्वेंशनल टेसे। टेसे इज टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इसमें जो स्क्रोटल स्किन होती है उसमें छोटा सा इंसिशन देके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिकुलर टिश्यू होता था उसको बाहर निकाल के वी यूज टू कल्चर इट एंड जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वो स्पर्म्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो देखते थे। बट क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर ज्यादा है एंड इट कॉजेज टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस अब ये प्रोसीजर यूज नहीं होता है। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें आपको उस दिन के लिए बस रेस्ट लेना है, आइस पैक लगाते हैं और वार्म शावर्स ले सकते हैं। हम लोग थोड़े से पेन किलर्स देते हैं 3 to 5 days के लिए, वो भी SOS है अगर पेन होता है तो, एंड स्क्रोटल सपोर्ट उस दिन के लिए। एंड बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी या वेट लिफ्टिंग 1 week तक अवॉइड करनी है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयरली होते हैं, इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जिसमें थोड़ा सा पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया या ब्लड कलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें हो सकती है बट रिलेटिवली इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये थी ऑब्स्ट्रक्टिव की। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में जैसे मैंने बोला दी पीसा का इतना रोल है नहीं क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिस में कहीं ना कहीं स्पर्म फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो इसमें वी कैन डायरेक्टली गो फॉर टीसा या फिर रैंडम टेसे। रैंडम टेसे में टेस्टिस में से ही डायरेक्टली स्पर्म जैसे हमने बायोप्सी लिए ऐसे करते हैं बट हम 6 to 9 places में ये करते हैं ताकि जो फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस का जहाँ हो रहा है वहां से कहीं से प्रिक हो जाए और हमें थोड़े से स्पर्म्स मिल जाए। बट अगेन द गोल्ड स्टैंडर्ड इज माइक्रो डिसेक्शन टेसे। इसमें टीसा के स्पर्म रिकवरी रेट्स थोड़े से पुअर है कंपेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इसमें जो निडल है वो थोड़ी सी बड़ी यूज होती है व्हेन वी नो दैट इट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। रैंडम बायोप्सी भी हम अभी हमारे क्लिनिक पे नहीं करते हैं। आफ्टर टीसा इफ यू आर नॉट गेटिंग स्पर्म्स वी डायरेक्टली शिफ्ट टू माइक्रोटेसे। रैंडम बायोप्सी में भी 3 to 9 biopsies अटेम्प्ट की जाती है। इसमें रिकवरी रेट 20 to 60% है। जो माइक्रो डिसेक्शन टेस्ट है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें जो स्पर्म रिकवरी रेट है दैट इज अराउंड 55 to 63%। ये एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाता है इसीलिए इसको माइक्रो बोला जाता है, माइक्रो डिसेक्शन। बट इसमें बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर्स में ही ये होते हैं एंड इट इज डन बाय यूरोलॉजिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में दीज आर दी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर दी माइक्रोटेसे प्रोसीजर एंड ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। इसमें जो भी सर्जन होते हैं वो माइक्रोस्कोप में देखते हुए टेस्टिस में ऑपरेट करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज कि हम जो स्क्रोटल स्किन है उस पर थोड़ा सा इंसिशन लगाते हैं। ऑब्वियसली द प्रोसीजर इज डन अंडर एनेस्थीसिया। उसके बाद जो टेस्टिस है उसमें एक बिग इंसिशन हॉरिजॉन्टली देते हैं ऑन दी ट्यूनिका एल्बिजिनिया जो कवरिंग होती है टेस्टिस उसपे और उसपे जो हमें हेल्दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रख रही है वो जो थोड़ी सी फूली हुई ट्यूब्यूल्स होती है उसमें हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। उसको बायोप्सी लेके बाहर निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं एंड देन वी स्टिच बैक दी स्किन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेस्टिकुलर टिश्यू है वो अंडर माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है तो बैकग्राउंड में ये जो ट्यूब्यूल्स है दोज आर वेरी फ्लैट ट्यूब्यूल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बट दीज आर वेरी फ्लैट ट्यूब्यूल्स मतलब इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो एक ट्यूब्यूल दिख रही है थोड़ी सी फूली सी
दिस इज अ हेल्दी ट्यूब्यूल. सो दीज आर द ट्यूब्यूल्स दैट जो हम निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं. अगर तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है तो बहुत बारी होता है कि पेशेंट्स के प्रोसीजर्स रिपीट होते हैं. पहले टेसा कर लिया या रैंडम टेसे कर लिया, देन वी शिफ्ट टू माइक्रो टेसे. तो एक गैप होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का दो प्रोसीजर्स के बीच में टू अलाउ द रिकवरी फॉर टेस्टिकुलर टिश्यू. सो इट इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच. एक जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट होते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके मतलब सबकी व्यूज लेके वी गो फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट. जेनेटिसिस्ट की क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ डिजीजेस है जैसे सर ने आपको बताया जिसमें जेनेटिक इवेल्युएशन की जरूरत होती है. अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो हम कैरियोटाइपिंग भी करवाते हैं, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन की स्क्रीनिंग भी करवाते हैं. और अगर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया की पिक्चर दिखाई देती है और एग्जामिनेशन में वास डिफरेंस फील नहीं होता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस या सीएफटी या जीन म्यूटेशन के लिए हम आगे इवेल्युएशन कराते हैं. कैरियोटाइपिंग में द मोस्ट कॉमन सिंड्रोम दैट वी कम अक्रॉस इज क्लाइनफेल्टर, जिसमें देयर इज अ टॉल मेल हु हैज गायनेकोमेस्टिया स्मॉल फॉर्म टेस्टिस. एंड वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन में अगर जो हमने टेस्ट कराया उसमें AZFC वाले में म्यूटेशन है, विच इज अ वेरी कॉमन म्यूटेशन, बट द गुड थिंग इज ऐसे केसेस में वी हैव अ चांस ऑफ अबाउट 60-70% कि हमें स्पर्म्स मिल जाए. अगर ए या बी वाले पार्ट में म्यूटेशन आता है तो हमें स्पर्म रिट्रीवल पॉसिबल नहीं रहता है. दूसरा है CFT या जीन सीक्वेंसिंग. ये जैसे मैंने बोला कि अगर वास डिफरेंस हमें पाल्पेशन के टाइम एब्सेंट दिखता है तो ऐसे केसेस में ये हम सीक्वेंसिंग कराते हैं. बट इन पेशेंट्स में स्पेशली फीमेल पार्टनर का इवैल्यूएशन भी जरूरी रहता है क्योंकि फीमेल माइट आल्सो बी अ कैरियर. और अगर इन चीजों में हमें कुछ म्यूटेशन दिखता है या कुछ दिखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ डोनर पर ही जाना है. इसका ये मतलब है कि अगर हम ये म्यूटेशन वाले पेशेंट्स में स्पर्म रिट्राइव कर रहे हैं और इनके स्पर्म्स यूज कर रहे हैं तो जो एम्ब्रियो बनता है उसको हमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए. रोल ऑफ वेरिकोसिलेक्टोमी, जिनको वेरिकोसील होते हैं मतलब जो टेस्टिस के आसपास जो नसें होती है वो थोड़ी सी फूली दिखती है, तो उसमें क्या उनको ट्रीट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसलिए बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. बट एक चीज कॉमन है जो सब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखते हैं वो है कि अगर क्लिनिकली हमें वेरिकोसील दिखाई दे रही है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं एंड देन वी गो फॉर टीसा. और अदरवाइज अगर हमें क्लिनिकली नहीं दिख रही है, सिर्फ सोनोग्राफी में आ रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट अवॉइड भी कर सकते हैं. तो अगर तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का एजियोस्पर्मिया है तो जो स्पर्म रिट्राइवल रेट है वो अबाउट 100% होती है कि क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ रहा है बट इन प्रोसीजर्स के थ्रू हमें स्पर्म्स मिल जाएंगे. एंड द गुड थिंग इज इन स्पर्म्स के साथ जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं तो IVF की सक्सेस रेट इट इज सेम एज कम्पेयर टू द कपल्स ऑफ देयर एज. अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है तो जो स्पर्म रिट्राइवल रेट है वो है 50-60% केसेस में. एंड ऐसे केसेस में जो IVF की सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी कम होती है बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर कपल्स. सो आई वुड कंक्लूड बाई सेइंग कि आपको ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो सक्सेस रेट है वो आपकी एज के साथ प्लस साथ में जो फीमेल के एग की एज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर नील शुक्राणु या एजियोस्पर्मिया आया है तो ऐसा कोई चमत्कार या फिर जड़ी बूटी या मंदिर जाने से ऐसे कुछ पॉसिबल है ही नहीं ट्रीटमेंट. आपने इसको सर्जिकल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर जाना ही पड़ेगा बिकॉज एज आई सेड दैट सक्सेस रेट डिक्रीज होता चला जाएगा विथ एज. दैट इज वाई एक्सेप्टेंस इज द की. एंड अगर आपको एजियोस्पर्मिया आया है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये सिर्फ डोनर सीमेन या डोनर स्पर्म ही यूज करना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है. वी हैव वेरियस ऑप्शंस. थैंक यू. Thanks, Dr. Richa and Dr. Giriraj for this wonderful session. So, इसी के साथ मैं request करूंगा सारे attendees को that in the chat box, my colleague has shared all the links. So, please don't forget to follow us on our social media handles so that आप कोई भी अपडेट मिस ना करें फ्रॉम JVIVF.
या सो लिंक्स आप देख सकते हैं अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरिराज एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजा. आपका सेशन वाज रियली अमेजिंग एंड टॉपिक बहुत अच्छा था. थैंक यू दीपी जी. वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडीज की अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप क्यू एंड ए में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. हमारे स्पेशलिस्ट आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे.